प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप खुश है? तो जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या प्रभु धन्यवाद कि आपका दिन दिखाया है आपने। हालेलुया। तो भाई और बहन या भाई से कहिए प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए रिमाइंडर है। हालेलुया। हो सकता है आप कर्जों में, हो सकता है आप बीमारी में, हो सकता है आप मुसीबतों में हो, पर एक ईश्वर, एक परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अम्मा की गवाही थी ना, गांव की ज़मीन छूट गई, मिल गया वो दोस्त, उनका हिस्सा। डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि काफ़ी अरसे से वो मुद्दा चल रहा था। एवं विश्वास कदम मंगाता है, प्रभु मैं तो तेरी दासी हूँ, मैं तो तेरी बेटी हूँ, कैसे हो पाएगा? सवाल आते हैं, बार बार सवाल आते हैं। पर प्रभु के काम करने का एक तरीका है, एक समय है। हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि प्रभु मुझे इतना भरोसा है कि तू मेरे लिए करेगा, पर जिस वक्त करेगा उस वक्त तक मेरे अंदर वो धीरज, वो सब्र और विश्वास बने रहने की ताकत दे। आमीन। ये परमेश्वर को हमसे भरोसा चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक बात जान लेना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समझ रहे हो? एक जगह पे कहा, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि मैं तुमको आशीष नहीं दे सकता? ऐसा हो सकता है? मैं आज ऐसी स्तर पे हूँ मैं किसी भाई की मदद कर सकता हूँ, कल को मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ करना होगा तो मैं उस भाई को बोल दूंगा, भाई वैसे मैंने तेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चे को संभालना है, करूँगा ना। पर प्रभु ऐसा नहीं कहेगा आपको, प्रभु बोलेगा मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे पास आया है, मैं तेरे लिए करूँगा। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर समय में बाउंड नहीं है, मुद्दा नहीं देता वो, जैसे तांत्रिक लोग देते हैं ना, इतने महीने, इतने हफ्ते, या बाबा लोग, गुरु लोग, ये मंगलवार इतने। परमेश्वर चाहता है उसके लिए, वो इसी क्षण आपके लिए सब कुछ कर सकता है, इसी क्षण। पर कई बार वो परिस्थितियाँ, वो बीमारी, वो मुसीबतें हमारे कैरेक्टर को मसीहत में बनाने के लिए, उस विश्वास को परखने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए वो परमेश्वर अलाउ करता है। मुझे बताओ, अय्यूब धर्मी था कि नहीं था? बहुत धर्मी था। परमेश्वर खुद गवाही देता है, धर्मी, खरा, मेरा भय मानने वाला, फिर परमेश्वर क्यों अलाउ करता है? आमीन। बेदा उसका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, वो सब चीज़ें अच्छे से करता है। पर परमेश्वर ने किया था कि शैतान जो उसके पास एक चैलेंज लेके आया था कि वो तेरा भय ऐसे ही थोड़ी मानता है, अरे भैया हाथ हटा दे तो देख तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा, परमेश्वर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अय्यूब फिसल सकता था, उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे, पर परमेश्वर ही उसे सामर्थ्य दिया कि अंत तक विश्वास में बना रहा। उसके मित्रों ने उसके ऊपर अक्यूजेशन डाले, तूने ऐसा किया होगा, तूने विधवाओं के घर खाए होंगे, तूने अनाथों को ऐसा किया होगा, तूने व्यभिचार के विचार डाल मन में सोचे होंगे किसी के ऊपर, सबका वो उत्तर दे रहा है। पर फिर भी अंत में उसने उन्हीं दोस्तों के लिए दुआ की। आमीन। ये परमेश्वर कैरेक्टर देखना चाहता है, धर्मी, खरा। आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वचन में जाने से पहले मेरे मन में पीछे एक परमेश्वर ने बात डाली कि मैं उन सारे व्यक्तियों के लिए दुआ करूं जिन्होंने कर्जा दिया है या जिन्होंने कर्जा लिया है, दोनों के लिए मैं दुआ करूं, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है। जिनको देना है उनको तो उनके लिए तो प्रार्थना करना बनता ही है, क्योंकि समय बहुत टफ चल रहा है कि वो दे नहीं पा रहे हैं। और सोचो उनको जिनसे उन्होंने लिया होगा, वो उनको बार बार फोन करते होंगे, भाई दे 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 दे, कोई सब्र से, कोई गाली देके, कोई प्रेशर डाल के, कोई धमकियाँ देके करता होगा, बरोबर? तो उनकी परिस्थिति बहुत प्रेशर में होगी, क्योंकि उनको अपना घर पालना है, यही करना है, उनकी शायद नियत भी होगी पर परिस्थितियाँ नहीं होंगी, तो उनके लिए बनती है। पर जिन्होंने दिया है उनके लिए भी, ताकि वो सब्र रख सकें। हालेलुया। और अगर आप विश्वास ही अगर किया है तो वचन में लिखा है कि प्रार्थना करें, हमें आशीष का वारिस बनाया है ना। परमेश्वर ने कहा जिसे तू आशीष करेगा उसे मैं आशीष करूंगा, बराबर है कि नहीं? तो गुस्सा आता है, चाहे वो विश्वासी बन के हो या हमारा मित्र हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, नहीं देता है तो गुस्सा आता है कि तुमने जबान दी थी अब तक नहीं पूरा कर पा रहे। इससे बेटर है कुड़कुड़ाने से, गुस्सा करने से, आज से ऐसे व्यक्तियों के लिए खास करके जिनको देना है उनके लिए तो बनती है दुआ,
पर आज ये दुआ उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने दिया है। आमीन। कि आज से परमेश्वर आपके स्वभाव में बदलाव लाए कि जितनी एनर्जी, जितनी बातचीत आप फोन पे प्रेशर डाल के धमकियां देके कुड़कुड़ा के कर रहे हो, आज से परमेश्वर पे भरोसा रखो कि प्रभु मैंने तेरे नाम में ये दिया, ये मेरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी, मैंने इस भाई को, मैंने अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को दिया, उसकी मदद की, पर आज वो नहीं दे पा रहा है, उसकी नियत में नहीं जानता उसको देने की इच्छा है या नहीं है, पर आज से मैं उसको आशीष करता हूँ कि इसके लिए तू मार्गों को खोल, उसके मन को तू बदल, अगर कपट भी सोचा है ना तो तू उसके मन को तू बदल। आमीन। परमेश्वर ने चाहा तो उसी व्यक्ति से आपको लेके देगा, नहीं तो उसको आपको ब्लेस करने के लिए हजारों रास्ते हैं। आमीन। हजारों रास्ते हैं, वो आपसे खुद ही बात करेगा। आमीन। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कलीसिया मिलकर आपके चरणों के पास आते हैं पिता। प्रभु जब कलीसिया ने मिलकर दुआ की थी तो पतरस के बंधन खुल गए थे पिता। प्रभु आज हम मिलकर प्रभु उन भाई बहनों के लिए, उन परिवारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिन्होंने कर्जा लिया है और जिन्होंने कर्जा दिया है प्रभु। प्रभु मैं एक अनुग्रह चाहता हूँ खास करके विश्वासी भाई बहनों और परिवारों के बीच में प्रभु, कि उनमें से किसी की भी गवाही खराब ना होने पाए मेरे पिता, चाहे जिन्होंने लिया जिन्होंने दिया प्रभु। क्योंकि प्रभु जैसे भाई राजेश ने कहा कि प्रभु पैसा ऐसी चीज है प्रभु जो बहुत सारी चीजों को, गड़बड़ियों को रिश्तों में ला देती है पिता, और हम विश्वास करते हैं प्रभु, वचन कहता है तुम परमेश्वर और पैसे धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते पिता। प्रभु हम नहीं जानते किसके मन में क्या छुपा है, परंतु आप हर एक के विचारों को जानते हैं पिता। आज हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, हम उन सारे भाई बहनों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास लाते हैं पिता, कि प्रभु आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, दोनों परिवारों के बीच में, दोनों उन भाइयों के बीच में, दोनों उन बहनों के बीच में जिनके बीच में ये लेन देन हुआ है प्रभु, वो दोनों आपका भय रखें पिता, एक को तरस खाने में और दूसरे को समय देने में, और दूसरे को अपना लिया हुआ कर्जा लौटाने की नीयत प्रभु ये दोनों को प्रदान कर पिता, कि प्रभु दोनों की गवाही तेरे नाम में अच्छी बनी रहे पिता, और रिश्ते न टूटे पिता, तेरा नाम न खराब हो पिता परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर शैतान को किसी के भी जीवन में काम करने का अवसर न मिले पिता। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, और आज हम मिलकर उस शैतान के सारे गलत विचारों को, जो संसार के तौर तरीकों को हमारे उन भाई बहनों के मन में डाल के कि मैं नहीं दूंगा तो कोई मेरा क्या कर लेगा, ऐसे सारे गलत विचार, और ऐसे विचार जो उस भाई को जिसको तरस खाना चाहिए या उसे समय देना चाहिए अगर वो उसको धमकी देता है, तो प्रभु ऐसे सारी गड़बड़ी के शैतानी विचार प्रभु उन दोनों जनों के अंदर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम जानते हैं आपके पास हजारों रास्ते हैं हमें आशीष देने के लिए पिता, आज हम ब्लेस करते हैं उन सारे भाई बहनों को जिन्होंने कर्जा लिया है प्रभु, आज से उनकी नौकरी उनके बिजनेस में तू अद्भुत रीति से आशीष कर मेरे पिता, ताकि उनकी आवश्यकता, उनके बच्चों की आवश्यकता और उनको कर्जों का एक एक पाए प्रभु वो जल्द से जल्द प्रभु अपने जिन भी भाई बहनों से, परिवारों से उन्होंने लिया दे सकें, और प्रभु हम उनके लिए भी ब्लेसिंग मांगते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया है आपके नाम में प्रभु, प्रभु कि उनका विश्वास तुझ पर से न टूटे, वे कभी तेरे विरुद्ध न कुड़कुड़ाए मेरे पिता, और न ही अपने भाई बहनों के विरुद्ध प्रभु कोई गलत स्टेप उठाए मेरे पिता, ताकि दोनों गवाहियां तेरे नाम में बनी रहे बेटा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आज जिसने विश्वास से इस आशीष को लिया है तेरे नाम में प्रभु, और जिन्होंने अपने मन में वो पश्चाताप की भावना लाई है प्रभु, कि जिन्होंने भी अगर गलत विचार रखे एक दूसरे के प्रति, तो आज से प्रभु वो अपने जीवन में तेरी आशीष को देखेंगे मेरे पिता, कि उनका यहोवा यहरे मोहिया कराने वाला तू बन जाएगा पिता, और वो प्रभु तेरे भवन में आनंद के साथ आएंगे पिता, धन्यवाद के साथ आएंगे प्रभु, गवाही के साथ आएंगे प्रभु, कि मेरे परमेश्वर ने केवल मेरे पापों का कर्ज ही नहीं परंतु मेरे सारे कर्ज मिटा दिए पिता, और प्रभु वो भाई बहन भी जिन्होंने दया की थी पिता, जिन्होंने किसी की मदद की थी प्रभु, वो भी धन्यवाद करेंगे, जैसे आज हमारी बहन ने कहा कि प्रभु जो भी उनका जमीन का मैटर था परमेश्वर ने सुलझा दिया, आप मेरे भाई बहनों का भी मैटर को सुलझाना प्रभु,
ताकि किसी अविश्वासी को हमारे बीच में आकर प्रभु तेरे नाम की निंदा या विश्वासियों और कलीसियाओं की निंदा करने का अवसर न मिले मेरे पिता, और कोई भी अविश्वास इनका बिचवई बनकर इनके फैसले न करे प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु, आप ही हमारा सच्चा न्याय चुकाने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु आपने कर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आई जल्दी से वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हमारी जो दौर है अनंत काल का जीवन पाने के लिए है, ठीक है। और तैयारी के विषय में आज का सब्जेक्ट तैयारी के विषय में पर अलग दृष्टिकोण से वो ये है, हमें अपने आत्मिक जीवन को अपने विश्वास की रखवाली तब तक करनी है जब तक मसीह बादलों पर नहीं आ जाता या हमारा मसीह जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त नहीं हो जाता, राइट। तो इस विषय में क्षमा करना, क्षमा मांगना, प्यार करना, दया करना और पवित्रता में बने रहना, पाप से दूर रहना, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। पर आज हमें कुछ चीज़ों को देखना है कि परमेश्वर ने हमें जो रूप दिया, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव दिया है, वो हमें कभी भी अकेला रहना, एक व्यक्ति को, एक किसी भी भाई बहन को, किसी भी एक जो उसकी रचना है उसको अकेला रहना उसे देखना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ग्रुप्स बनाया है। आमीन। कलीसिया भी इसलिए रखिए। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है यूनिटी, एकता। हालेलुया। क्या? यूनिटी और एकता, इसका हमारे मसीह जीवन और आगमन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है आज हम वो देखेंगे। न केवल सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में पर हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन जो कलीसिया है, हालेलुया, और जहाँ कहीं भी हम काम काज करते हैं उस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि यूनिटी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, हालेलुया। और दूसरी चीज, ये यूनिटी, ये जो एकता है ना एक व्यक्ति की, एक विश्वासी की, सबसे पहले शुरू होती है परमेश्वर के साथ। आमीन। यूनिटी विद गॉड, हालेलुया। यूनिटी इन द फैमिली, यूनिटी इन द चर्च, यूनिटी इन द नेशन। आमीन। पहले हमारी सहभागिता, एकता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। जब ये एकता आपकी बन जाएगी, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बन जाएगा, तब आपके परिवार के अंदर वो एकता, जो टूटे हुए रिश्ते हैं, खुद ही जुड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर आपके कलीसिया के अंदर भी जो मिलजुल के काम पर तब परमेश्वर के दर्शन को, उस कार्य को अचीव कर पाएंगे, और एक देश के अंदर भी, एक देश के अंदर, क्योंकि एक देश एक भाषा एक जाति का नहीं होता है। जैसे हमारा भारत देश सबसे इस पूरी दुनिया के अंदर, भारत देश एक यूनिटी का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे अनेकता में एकता है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर राष्ट्र जो है, महाराष्ट्र मराठी वालों का है, बंगाल बंगाली वालों का है, गुजरात गुजरातियों का है, राजस्थान रजवाड़ों का है, साउथ इंडियन साउथ इंडियन का, अलग भाषा अलग जाति के लोग हर एक क्षेत्र में, पर मिलके एक देश बनाते हैं, हालेलुया। तो ये यूनिटी का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। और यही यूनिटी जब हम लोग सहभागिता में चलेंगे, तो इस सहभागिता की हमारी इंडिविजुअल, हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, हमारा विश्वासी जीवन जो भी चलता है, पर उसमें हमें बाकी लोगों का भी सहयोग चाहिए, समझ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, एक किस्सा सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ जो आपने सबने बचपन में सुनी होगी। उस स्टोरी का शीर्षक था लकड़ियों का झुंड, ठीक है। एक पिता था जिसके चार बेटे थे। बेटे बहुत ही होनहार थे और बहुत होशियार थे और बहुत मेहनती थे, काम करते थे और कमाते भी अच्छा थे, परिवार बहुत धनी भी था। पर एक उनके अंदर प्रॉब्लम था कि चारों भाइयों की कभी भी पड़ती नहीं थी, ठीक है। मेहनती थे, आज्ञाकारी थे, होशियार थे, पैसे वाले थे, पर चारों भाइयों की कभी बनती नहीं थी। उसके पिता की एक ही इच्छा होती थी कि मेरे चारों भाई जो बेटे हैं वो भाई हैं, आपस में प्यार से रहें, एकता में रहें। तो ऐसा समय आया और इसने कोशिश की पर नहीं हो पाया। एक समय आया कि उसकी वो मृत्यु की अवस्था में आकर पहुंच गया, पर वो अपने बच्चों को ये बात सिखाना चाहता था। तो उसने क्या किया, एक बार बच्चों को बुलाया, आज्ञाकारी थे सब, आ गए, उन चारों बच्चों को उसने 10-10 लकड़ियों का झुंड दिया। बोलो एक काम करके आओ, ये लकड़ियां जल्दी से जो मेरे सामने तोड़ेगा, दो हिस्सों में तोड़ेगा,
वो मुझे तोड़ के दिखा करके। तो चारों तो हुशार थे, भरपूर थे, चारों ने जल्दी लूटा तो तोड़ के उसने जल्दी, फिर वो झगड़ने लगे, पहले मैंने तोड़ा, वहां पे भी उनका झगड़ा होने लगा। तो बोला अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, पहले कौन नहीं है, अब एक काम करो मैं दूसरा झुंड भी देता हूँ 10 लकड़ियों का, अब इसको जो तोड़ के दिखाएगा, पहले आपने एक एक लकड़ी को अलग अलग तोड़ा, अब जो पहले 10 लकड़ियों को एक साथ तोड़ पाएगा वो मुझे काम करके दिखाओ। चारों ने कोशिश की, वो 10 लकड़ियां टूटी नहीं रही थी, चारों नहीं कर पाए, ठीक है। तो उनके पिता ने कहा मैं तुमसे इस बात को ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि जो मैंने लकड़ियां तुमको पहले दी थी वो भी सेम लकड़ियां थी, 10ों थी, पर जब मैंने उनको अलग अलग तोड़ने के लिए आपको कहा तो तुम लोगों ने फर्स्ट से जो मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक है, पर यही सेम लकड़ियां जब झुंड में थी तब तुम उसको तोड़ नहीं पाए। तो मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ कि जब तुम एकता में रहोगे ना, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, हमारे परिवार को तोड़ नहीं पाएगा, और तुम जिस क्षेत्र में होगे ना उसमें से तुमको कोई हटा नहीं पाएगा। तो वो आज्ञाकारी थे, वो जो पिता उनको समझाना चाहता था वो समझ गए। समझ रहे हैं। आज भी हम कलीसिया में अलग अलग वो लकड़ी है, अगर अलग किसी को मिल गए ना, शैतान को मिल गए, दुनिया को मिल गए ना, तो कोई भी तोड़ देगा, समझो। कोई हमारे मसीह भाई जो भैया परिवार से आते हैं, अब नए नए मसीह में आए, जोश में है, अगर उनके गांव वालों ने उनको घेर लिया कि अरे कैसे, अरे ऐसे, तो उसको तोड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं। पर इनके साथ इनके जाति भाई वाले ऐसे 10 भैया जो ऑलरेडी विश्वास में उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो मुझे बताओ उनके ऊपर हाथ हटा पाएंगे, कोई भी कर पाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं। आज भी वो वैसे अकेला है तो कमजोर है, वो उसके साथ खाली 10 खड़े हो गए तो कैसे होगा, उसके अंदर ताकत आ जाएगी और सामने वाला उसे तोड़ नहीं सकता, दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता। अभी जैसे करण है या कोई और जैसे विवान बैठा हुआ है, ऐसे बहुत पतला है, मैं उसको ऐसे धक्का दे दूंगा ना तो झटके में गिर जाएगा, और उसके पीछे अगर मैं जिम्मी को खड़ा कर दूं, अगर ये भाई करण को खड़ा कर दूं, दिलीप भाई को खड़ा कर दूं, 3 भाई उसके पीछे खड़े हैं उसको पकड़ के, वही व्यक्ति उसको धक्का देके गिरा नहीं सकता। हालेलुया। तो ये आज हमें सीखना है, अगर आज हम ये मैं बेस बना रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, ये कहानी आपने सुनी है, आज आपको रिकॉल हो गई, तो आपको अपने लिए ये सोचना है, ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए है, ये मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए है, इस कलीसिया के लिए है, और हमारे देश के लिए भी है। आमीन। कि जब हम अनेकता में रहेंगे तब हम एकता में रहेंगे, हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई हमें डरा नहीं पाएगा, ठीक है। आज संसार के अंदर अगर आपने देखा होगा कि नहीं, लॉकडाउन के समय में जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, मुझे भी किसी ने खबर बताई, टिकटॉक जो बनता है, यूट्यूब जो है, जो फेमस सेलिब्रिटीज जो है, पॉपुलर है हॉलीवुड में या बॉलीवुड में, आपने इस दौरान जो कोरोना से गए तो गए, पर आपने ऐसी खबरें भी सुनी होंगी न्यूज चैनल पे कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, जवानी की अवस्था में, या जो एकदम बहुत पॉपुलर थे और जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने सुसाइड किया। फॉलोअर समझ रहे, हम जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट बोलते हैं, मेरे 500 फ्रेंड्स, मेरे 3000 फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट, हमको लगता है, और जिसके ज्यादा फॉलोअर तो उसकी बड़ी वाहवाही होती है, इसको फॉलो करें, वो जिस जो कपड़ा पहन रहा है वो ट्रेंड बन जा रहा है, वो एक ट्वीट कर रहा है तो उसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वैसा उनका है, वो जो शब्द बोलेगा, डायलॉग बोलेगा, वो प्रचलित हो जाता है। जिसके 10 लाख, जिसके 20 लाख, जिसका 1 करोड़ फॉलोअर्स है, वो निराशा में अपने जीवन को खत्म कर रहा है, मीन्स वो भीड़ में होकर भी अकेला है, डिप्रेशन में, निराशा में, आज ही संसार की हालत है। वो लोग अमीर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स होते भी वे निराश, दुखी हैं, डिप्रेशन में, और अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। यह दुनिया की अवस्था है। हम में से भी ऐसे कोई विश्वासी होंगे जो अकेले परिवार में विश्वास में होंगे,
जिनके माँ बाप विश्वासी नहीं होंगे, जिनका पति विश्वासी नहीं होगा, जिनके बच्चे विश्वासी नहीं होंगे, संसार में उठ बैठ रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, पर फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। क्या मेरे ऊपर किसी की दृष्टि नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यूनिटी का जो सब्जेक्ट ऐसा है कि यूनिटी हमें, जैसे मैंने कहा, शुरुआत आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से करनी होगी, एक से बने दो। ठीक है, इंग्लिश में एक कहावत है, वन मैन विथ गॉड इज ऑलवेज अ मेजोरिटी। अरे भैया, वन मैन विथ गॉड, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ बहुमत में है। जब हालेलुया वोटिंग होती है ना, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो सत्ता में आ जाता है। हालेलुया। पर अगर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ है ना, वो ही सत्ता में रहेगा। हालेलुया, क्योंकि सबसे सुप्रीम उसके साथ है। आमेन। तो आज हम पहले चेक करेंगे, फर्स्ट पीटर 5:8 का वचन खोलेंगे। जैसे मैंने कहा, ये जो शैतान हमारा, जो मैंने जैसे कहा ना, जो कर्जे के लिए विषय में था, जो भी गवाहियां हुई, हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है। ये हमारा पहले का स्वभाव था, मसीह में आने से पहले का स्वभाव था। अगर आज भी आकर हम लोग वापस उसमें आ गए ना, तो फिर अटक जाएंगे। हालेलुया। शैतान ही एक है जो हमें हमारे विश्वास से, हमारी गवाही से, उस एकता से निकालना चाहता है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान मेरा विरोधी है, बोलो शैतान मेरा विरोधी है। कोई व्यक्ति मेरा विरोधी नहीं है, समझ रहे हो? लिटरली बोला शैतान जो तुम्हारा विरोधी है, जो तुम्हारा दुश्मन होगा, वो तुम्हारे अगेंस्ट में ही प्लानिंग करेगा ना, तो उसे सारे पैतरे पता है कि हम कहां कहां पे गिर सकते हैं। और पैसा जो है ना, जैसे भाई ने कहा, पैसा एक बहुत चीज है ना, आपका मेहनत का कमाया होता है ना, बहुत चिड़ लग जाती है यार, मैंने अपने बच्चे का निकाल के दिया था तो कैसे खा गया, नहीं दे पा रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें आती है। और हमारी नजर को है ना परमेश्वर से हटा देता है। अपने आप को याद करो, जब आप मसीह में आते तो आपकी पोजीशन क्या थी। कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनके खाने के वांदे थे, हो सकता है आपका घर होगा, पर आप अपने कर्जों में थे, तकलीफों में थे, जिस वक्त परमेश्वर ने आपकी शुद्धि दी। अगर आपको परमेश्वर ने एक वादा किया था, मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने आपको उस स्तर पे रखा, तब आपने धन्यवाद किया। पर आज जब आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हो, और उस भाई और बहन के विरुद्ध भी कुड़कुड़ा रहे हो जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो शैतान चाहता है कि ऐसे हालात पैदा हो, क्योंकि आपको पता है भारत देश 200 साल गुलामी में रहा। क्यों गुलामी में रहा? सबसे बड़ा कारण क्या था गुलामी में रहने का, मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी बता सकता है? भारत देश सोने की चिड़िया, राजाओं का देश, लोकप्रिय, गुलामी में चला गया क्यों? बरोबर, अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्लान यही था, डिवाइड एंड रूल। अगर आपने इतिहास पढ़ाया स्कूल में, तो वो इस उद्देश्य से आए थे कि जो देश है ना बहुत एकजुट है। तो अगर हमको इसके ऊपर राज करना है, क्योंकि राजा भी बहुत सामर्थ्य थे उस समय, समझ रहे? क्योंकि उस समय इंडिया इंडिया नहीं था, इंडिया था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, नेपाल था, म्यांमार था, ये जो सारा पोर्शन है ना हिंदुस्तान कहलाता था, इवन इराक तक, ये सारा पोर्शन हिंदुस्तान कहलाता था। उनका एक उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो उनके ऊपर। शैतान भी, एक कलीसिया जब एकजुट होती है ना, तो बंधन टूटते हैं। जब कलीसिया जब एकजुट होती है ना, तो अद्भुत कार्य होते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में रहता है, आगे हम वचनों में देखेंगे। तो परमेश्वर, जैसे पास्टर जी ने एक बार एग्जांपल लिया था डिस्कवरी चैनल का, कि जब शेर को, ऐसे जंगली जानवर को जब शिकार करना होता है, और जब झुंड में जेबरा, जब झुंड में भैंसे निकलते हैं ना, तो उनका टारगेट रहता है कि किसको हम पहले झुंड से अलग करें,
क्योंकि झुंड के बीच में घुसेंगे ना तो वो ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके पैरों के नीचे उस झुंड के दबाव में वो जंगली जानवर मर जाएगा। तो वो कभी भी झुंड में घुसने की कोशिश नहीं करता, पर वो झुंड को निहारता रहता है कि किस एक वीक को जो थोड़ा झुंड से इधर उधर हो रहा है, या उसके अंदर बगदर बचा के एक को अलग कर लेगा। और एक जैसे ही अलग हो गया तो पांच छह जो भी झुंड में रहते हैं जंगली जानवर उसी एक को पकड़ लेते हैं और वो मर जाता है। पास्टर जी ने कहा था, जब कलीसिया में हो, जब मसीह जीवन में हो, तो परमेश्वर की उस अच्छी संगति के अंदर रहो। जैसे ही आप उस संगति से बाहर निकले, आपका शिकार हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान किस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो शक्तिशाली होगा उसको फाड़ नहीं खाएगा, जो झुंड से अलग हो जाएगा उसको फाड़ खाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये आपके आपके परिवार के लिए काम में आएगा। ये व्यक्तिगत रीति में, परिवार की रीति में। इसलिए लोग आज मैं उन पति पत्नियों से, माँ बाप और बच्चों से, भाई बहनों से ये बात करना चाहूंगा कि अगर आप अपने भाइयों से रिश्तों में खटास में हो, रिश्ते टूटे हुए हैं ना, तो आप ये हमेशा देखोगे कि उन परिवारों के बीच में उनका फायदा उठाने वाले कोई तीसरी पार्टी के लोग जरूर होंगे, बाहर के लोग जरूर होंगे। क्योंकि उनको पता है ये दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते, आए दिन कोई ना कोई उस भाई के मन में उस भाई के लिए कोई बुराई डाल के जाएगा, वो उसके भाई के मन में बुराई डाल के जाएगा। अपना अपना काम कर रहे, कमा रहे, दूसरे की चिंता नहीं है, रिश्ता टूटा हुआ है, पर दूसरे लोग तीसरे लोग देख तेरे भाई ने ये किया, आज तेरे भाई ने कार ली है। अभी कार उसके पैसे से उसकी खींच के थोड़ी ली है, अपनी मेहनत से ली, पर फिर भी उल्टे सीधे मिर्च मसाला करके और रिश्तों में विभाजन। पति पत्नी जो प्रेम में है उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा, पर एक बार पत्नी गुस्से में अपनी माँ के घर पे चल गए, पड़ोसी पड़ोसी ये वो सब आके सत्यानाश कर देंगे। अब ये चीज हमारे कलीसिया में भी आती है। कलीसिया में से कोई भी एक भाई बहनों के बीच में कभी झगड़ा होता है, पैसों की बात पे, किसी भी बात पे, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे विषयों में किसी भी कारण की वजह से कलीसिया को छोड़ना मत। या थोड़े दिन के लिए मैं नहीं जाता हूँ उस व्यक्ति की वजह से क्योंकि वो मेरे सामने दिखता है, मैं उसे मांगता हूँ वो मुझे देता नहीं है, या जो जिसने लिया है वो बोलता है वो मुझे मांगेगा, तो इसलिए मैं कलीसिया नहीं जाता। समझ रहे हो, इन पैसों की वजह से आपने परमेश्वर की सभा को छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, कलीसिया को छोड़ दिया। और जैसे ही बाहर गए, भले ही वो विश्वासी हैं जो मिलते होंगे, देखो तेरे लिए ऐसे बात कर रही थी, देखो तेरे लिए ऐसे बात कर रहा, जबकि बात कुछ भी नहीं है। कलीसिया आने का पर्पज है परमेश्वर के वचन को सुनना, अपनी दुआ वहां पे करवा के आना और अपने अंदर वो कुछ बदलाव को लेके आना, उस वचन को लेके आना, ये कलीसिया का पर्पज है। पर शैतान क्या करेगा, पहला तो पैसे का कारण है कि यार मुझसे पैसे मांगेगा या मुझे उससे पैसे मांगना है, आपका वचन में ध्यान नहीं है। एक तो वहां पे गलती है कि आपने वहां पे परमेश्वर से दृष्टि हटा ली। फिर ऐसे विश्वासी अविश्वासी लोगों ने कहा, विश्वासी में नहीं है थी दुआ असा था ना बुधवा, अरे वो एल्डर आ, अरे वो लीडर आ, अरे वो पुराना विश्वासी आ, ऐसे डायलॉग सुनने में आएंगे, आपको और चोटें लगते जाएंगी और जख्म आते जाएंगे। शैतान वो बीज डालते जाएगा, आपको धीरे 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 झुंड से अलग करेगा। जैसे आज हमने मिलकर दुआ की, अगर संगा आज वो व्यक्ति कोई भी यहाँ पे ऐसा मौजूद है, उस वचन को ले लिया, आज से उसके जीवन में बदलाव हो जाएगा, वो गवाही के साथ खड़ा होगा। पर ऐसा व्यक्ति जो इसी डर से कि पैसा कोई मुझसे मांगेगा, आज मैं कलीसिया नहीं जाता, उसने उस ब्लेसिंग को गवा दिया। ये कारण होता है, आप झुंड से अलग हो गए और शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान खड़ा है कि आपको फाड़ खाए। ये आपके रिश्तों में भी लागू करता है, पति पत्नी के बीच में, ऐसे बच्चे जो माँ बाप से रूठे हुए हैं, ऐसे माँ बाप जो बच्चों से रूठे हुए हैं, क्योंकि आपने उनसे बात नहीं की है और ये बात तीसरे लोगों को पता है, इसलिए आए दिन वो आपके बीच में आके अपनी गलत बातें डालते जाते हैं और आप उनसे क्लियर नहीं करते हो, उन गलत बातों को रिसीव करते हो, इसलिए आज तक आपके रिश्ते टूटे हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आपके रिश्ते जुड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, यूनिटी वाला परमेश्वर है। आमेन। उत्पत्ति 3:18 खोलेंगे और 21-23 खोलेंगे। ये परमेश्वर की स्टार्टिंग से प्लानिंग है। 3:18 पेज नंबर 5।
और वह तेरे लिए कांटे और ऊन का बना। उत्पत्ति 3:18 ये 2:18 देखिए एक बार जहाँ पे लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। ये ध्यान देना आगे चल के सहायक का रिलेशन और अकेले रहने का रिलेशन हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था। इसके कुछ वचन ऊपर आप देखेंगे आदम की रचना हुई है। यहाँ पे परमेश्वर थोड़े टाइम के बाद आदम को बनाने के बाद सारे जीव जंतु बनाने के बाद आदम की वाटिका बनाने के बाद वो देखता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। सहायक मेल खाने वाला, इस पॉइंट को पकड़ना। हाँ, सहायक जो मेल खाए और अकेला रहना अच्छा नहीं है। बोलो मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। मेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है आजकल, क्योंकि ये बात डायरेक्टली कहता हूँ। कुछ लोग जब कलीसिया से किसी भाई बहन से नाराज हो जाते हैं और जब कलीसिया छोड़ देते हैं ना, उनको लगता है ना हम उस स्तर पे आ गए ना कि हम घर पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग देख के ना अपने आत्मिक जीवन को संभाल लेंगे। हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, हमारा उद्धार हो चुका है, हम यीशु को फॉलो करते हैं, किसी पास्टर को फॉलो नहीं करते, उनके डायलॉग बन जाते हैं, समझ रहे हैं, और हम संभाल जाएंगे ऑनलाइन मीटिंग सुन के हम अपने आत्मिक जीवन को संभाल लेंगे किसी न किसी तरीके से। बहुत सारे प्रभु के दास हैं, किसी को भी सुन के कर लेंगे। अकेला रहना अच्छा नहीं है। वचन में पता है क्या लिखा हुआ है? हाय उस पर जो अकेला गिरे, जो तुम गिरा रहेगा। पुराणियों में लिखा है हाय उस पर जो अकेला चलता है, अगर वो ठोकर खाएगा तो उठ नहीं पाएगा। पर उसके लिए ब्लेसिंग बोली गई है कि जब दो जने चले, एक गिरे तो दूसरा उसको उठाए। ये सुलेमान ने लिखे वचन, ठीक है। हाय उस पर जो अकेला चले वो गिरा पड़ा रहे, ठोकर खाए। प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना ठीक नहीं समझा। परमेश्वर तो खुद उससे आता था, उसकी रचना थी, सारी अथॉरिटी उसके में थी, पर परमेश्वर ने फिर भी चाहा और उसके लिए सहायक हवा। अभी 21:22-23 उसको भी जल्दी से पढ़ लेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। 22 और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आगे और आदम ने कहा यह मेरे हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस का मांस है, सो उसका नाम नारी होगा क्योंकि वह नर में से निकाली है। परमेश्वर ने इसी रीति से उसका सहायक लिखा। मैंने कैसे बोला कि एक सहायक जो हमसे मेल खाए। आमीन। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूनिटी में रहने के लिए आपको अपने प्रकार के ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपसे सहमति रखते हो। स्टार्टिंग लेवल पे, क्योंकि आपको उनसे हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप झुंड में नए तरीके से जुड़ रहे हो। उदाहरण लूंगा इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, किसी भी देश की, मैं इंडियन क्रिकेट टीम लेता हूँ, तो कभी कभी होता है ना कोई नया प्लेयर डेब्यू करता है, उसका पहला मैच होता है और उस टीम में पहले से ही सचिन तेंदुलकर, सेवाग, जिन्होंने 100 मैच खेले हैं, 150 मैच खेले हैं, उनका एक्सपीरियंस काफी उससे बड़ा है। तो अगर इस डेब्यू करने वाले को अगर अपने करियर को 10-12 साल अच्छा चलाना है तो उसको उस टीम के साथ, उन सीनियर्स के साथ, उसको भले वो टैलेंटेड है इसकी वजह से वो टीम में आया है, पर वो उससे वो सहायता चाहिएगी, वो टिप्स चाहिए रहेंगे, उसका एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा जो सचिन और सहवाग के पास है। अगर बॉलर है तो जो भी पुराना जो बॉलर होगा उससे, कपिल देव या जो कोई भी रहेगा उससे वो पूछेगा, भले वो आज का है, उसके अंदर एनर्जी है, वो ज्यादा फास्ट फेंक सकता है, परंतु जो एक्सपीरियंस, जो सहायता, जो टिप्स, जो प्रेशर कंडीशन में कैसे हारे हुए मैच को जिताया जाता है, कैसे वर्ल्ड कप में खेला जाता है, वो सारी चीज उसको सीनियर प्लेयर से मिलेगी, उसको वो सहायता मिलेगी। प्लस उस टीम के अंदर एक कोच भी होता है। कोच इसलिए होता है, जैसे मैंने बोला विभिन्नता में एकता। अभी आपको लगता है बैट्समैन बैट्समैन से बात करेगा, बॉलर बॉलर से बात करेगा,
बॉलर बैट्समैन से टिप्स नहीं ले सकता है और बैट्समैन बॉलर से टिप्स नहीं ले सकता है, क्योंकि उनका खेल है, उनका रोल अलग है, ठीक है, विकेट कीपर का रोल अलग है। कोच ऐसा व्यक्ति होता है जो सबको मिला के बोलता है कि तुमको जीतना है, तुम्हें इस खेल के लिए करना है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है, क्योंकि पहले शुरुआत होगी एक मन होने वाले। अभी समझो पहले पहले अच्छा क्या लगेगा पता है, सिंधी सिंधी मानो सा गाना है, भैया भैया सा गाना है, मराठी मराठी से गाना है, पर हमारी कंडी से हर भाषा के आते कंफर्टेबल, पहले आप अपनी भाषा वाले से हो गए, आमीन। पर परमेश्वर फिर भी चाहता है कि आप कलीसिया के अंग बनो, विभिन्नता में एकता, मैंने जो कहा समझ रहे हो। हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हो, या आप एक सिंगल फैमिली के हो और आपकी शादी ज्वाइंट फैमिली में हो रही है, जहां पे 10 प्रकार के लोग मिलते हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, मेरी ननन भी है, मेरी देवरानी भी है, देवर भी है ना। पहले आप उस परिवार में अगर जमना चाहते हो तो आप अपनी सोच वाले व्यक्ति को पहले ढूंढोगे, लेडीज लेडीज के साथ, जेंट्स जेंट्स के साथ, बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ, बच्चे बच्चे के साथ। पर बाद में ऐसा होगा कि आपको सबके साथ मिलकर चलना है, तो आपकी मम्मी, आपके सास ससुर आपको कुछ हिदायतें देते हैं इस रीति से चलना। वैसे ही इस संसार के अंदर, इस कलीसिया के अंदर, विश्वासी जीवन में जो वो कैप्टन है वो है पास्टर, जो अगुआ, और जो कोच है ना वो है प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, समझ रहे हो। और आपके काम की जगह पे भी आपका सेठ है, आपका टीम लीडर भी होता है, सुपरवाइजर भी होता है, जिन्होंने काम किया उनको पता होगा, वो आपको बताएगा। अभी परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग यूनिटी में रहे, इसके लिए एक वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1:10। अभी हम लोग थोड़ी देर 10 मिनट जल्दी से कुछ वचन जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और फिर उनका उद्देश्य हम परमेश्वर से जानेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ध्यान से देखना, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से विनती कर रहा हूँ। इट्स लाइक ऐसे बैग कर रहा हूँ, पौलुस कलीसिया के सामने बोला, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, झुक के मांग रहा हूँ तुमसे कि तुम सब एक बात कहो और तुम में फूट न हो। क्योंकि वहां पे कुरिन्थियों में प्रॉब्लम हो गया था, कोई कह रहा था मैं पौलुस का हूं फॉलोअर, कोई बोल रहा था मैं अपोलुस का फॉलोअर, कोई बोल रहा था मैं यीशु का फॉलोअर, समझ रहे हैं। परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। कोई भी कलीसिया होती है ना, एक दर्शन को लेकर चलती है, एक देश होता है ना, एक योजना को लेकर चलता है, जिस देश में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना उन मुद्दों को लेकर चलता है, उसमें सारी पार्टियों को, चाहे इवन ऑपोजिशन का, कोई भी कानून लागू होने के पहले आपके वोट लिए जाते हैं कि उस पक्ष में कौन है, ये कानून लागू करना है तो कौन, भले विपक्ष भी होता है उससे भी वोट लिए जाते हैं कि आपको लग रहा है कि देश के लोगों के हित में है, वोट देता है, तब वो कानून जाके राज्यसभा लोकसभा में पास होकर फिर अप्लाई होता है, सालों का प्रोसीजर लग जाते हैं, समझ रहे हो। वहां पे भी चाहिए, भले ही ऑपोजिशन है, वो कानून का विरोध कर रही है, जो सेंटर में सत्ता है उसका विरोध कर रही है, पर जो भी कानून बन रहा है लोगों को मद्देनजर, उनकी समस्याओं को मद्देनजर बनाया जा रहा है, ये फैसला लिया जाता है, ठीक है। भले ही विभिन्नता है तो वहां पे बोल रहा है एक मन रहो, एक मत होकर मिले रहो, क्योंकि सबका क्या है, हमारा भारत देश सबसे ऊंचा, ठीक है। कलीसिया के अंदर भी उस दर्शन के हिस्से बन जाओ, अपनी अपनी मिनिस्ट्री चालू मत कर लो कि मैं आराधक हूँ वहां पहले लेके, कोई प्रार्थना में होशार है तो वो अपने लेके, कोई वचन में होशार है तो अपने लेके, कोई लीडर है तो अपनी जो भी वो हॉस्पिटैलिटी चीजों में लगा हुआ है, इससे कलीसिया नहीं चलेगी, इससे दर्शन पूरा नहीं होगा। आत्माओं को जीतना है तो यहाँ पे सुसमाचार प्रचारक भी चाहिए, यहाँ पे वचन की शिक्षा देने वाले भी चाहिए, यहाँ पे आराधना करने वाले भी चाहिए, यहाँ पे लीडर भी चाहिए, एल्डर भी चाहिए, सबका उतना महत्व है। प्लस जो रोज आ रहे हैं कोई सेवा नहीं करें, आपका भी महत्व है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया का देह बना, देह का अंग बनाया है। मैं आमीन बोलो, मैं कलीसिया की देह का अंग हूँ, मैं कलीसिया की देह का अंग हूँ,
कलीसिया की देखकर हो। यहाँ का जो मेन पॉइंट है, तुम में फूट न हो। आमीन। एक मन एक मत होकर रहो। और ये यीशु के नाम में विनती कर रहा है पौलुस कलीसिया से। आमीन। अपना रुबाब नहीं, मेरी वैल्यू मत करो, मेरी रिस्पेक्ट मत करो। पास्टर दिनेश चावला बोल रहे हैं, कोई प्रभु का दास बोल रहा है, नहीं। आई बेग यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ। और ये उन परिवारों के लिए जो पति पत्नी रूठे हुए हैं, झगड़े में डायवोर्स के लिए सोच रहे हैं, जो माँ बाप बच्चों से रूठे हुए हैं, आज मैं कर रहा हूँ कि यीशु के नाम से मैं विनती करता हूँ, तुम में फूट ना हो, एक मन हो जा। आमीन। आमीन। दूसरा वचन करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 13:11 और गलातियों 3:28। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धाड़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। इसका बी पार्ट इम्पोर्टेंट है। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धाड़स रखो। मैंने कहा ना कि हमारी तैयारी जो स्वर्गीय तैयारी पवित्रता में बने रहो, हमें यीशु को देखना है, हमें यीशु के आगमन में सम्मिलित होना है। ठीक है, वहां पे बोलता है एक मन रहो, मेल से रहो, और एक मन रहो और मेल से रहो, तब प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ऐसा व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है, वचन प्रचारक है, आराधक है, लीडर है, एल्डर है, पर वो प्रेम नहीं रखता, मेल से नहीं रहता, उसके साथ परमेश्वर की सहभागिता नहीं है। क्योंकि जो एक मन रहेगा, जो मेल से रहेगा, तब ही शांति और प्रेम का दाता परमेश्वर उसके साथ होगा। समझ रहे हो? जब आप एक मन रहोगे, मेल से रहोगे, तभी परमेश्वर आपके साथ है। आपके पास आशीषें होंगी, आपने 10 घर बना लिए, 10 दुकान बना लिए, आपने प्रॉपर्टी बना ली, आपको संतान की भी आशीष मिल गई। आप उन आशीषों को लेकर ऐसे परख रहे हो अपने आप को, अपनी धार्मिकता सिद्ध कर रहे हो, देख ये सब है ना, मेरी गवाही है ना, तभी मेरा परमेश्वर देख मेरे साथ है। पर परमेश्वर कहता है, जब तक तू मेल नहीं रखता, जब तक तू एक मन नहीं होता अपने भाइयों के साथ, कलीसिया के साथ, परमेश्वर के अगुए के साथ, तब तक मैं तेरे साथ हूं ही नहीं। और सच्ची बता रहा हूं, जो ऐसा व्यक्ति होगा ना, जो फूट में होगा, ये होगा ना, हमेशा आपको अशांत दिखेगा। भौतिक आशीषें उसके पास हो सकती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, वो सेलिब्रिटीज जिनके फॉलोअर्स थे करोड़ों में, और उन्होंने सुसाइड किया। और कुछ परमेश्वर के दासों ने कहा कि ऐसे भी कोई परमेश्वर के दास हो चुके हैं जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स थे, जिनकी चंगाई सभाओं में चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं, 10 में से 8 दास ऐसे उन्होंने जीवन में पाए जिनकी मृत्यु पर उनको कंधा देने वाला कोई नहीं था। क्या हमें वो बनना है? शांति और प्रेम का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा अगर हम लोग एक मन रहे और मेल से रहे। मुझे बताओ, लोकल ट्रेन में चलना कितना डिफिकल्ट होता है, बरोबर ना? बैग चल रही है, बच्चे को भी लिया हुआ है, कितना ये वो, तभी भी हम लोग भाई साहब थोड़ा लगेज में प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। और यहाँ पे किसी का हाल लगा है, बिठो मुसाइएंगे, बिठो ये कहीं, समझ रहे हो? नौकरी के अंदर जब बॉस जो है आपको 10,000 की पगार लेके आपके अंदर से 20,000 का काम लेता है, क्योंकि वो आपको सैलरी दे रहा है, कभी आप रुकड़ाते नहीं हो। पर यहाँ पे अगर कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, किसी ने 100 रुपया भी ले लिया, तो दिमाग खराब हो जाता है, अशांति आ जाती है। समझ रहे हो? परमेश्वर परखना चाहता है। मैंने क्या कहा, हमारी दौर स्वर्ग की है, परमेश्वर सब परखेगा कि आप उसके लायक हो के नहीं। आमीन। तो जरूरी, पाप तो उसने निकाल दिया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसने निकाल दिया है। परमेश्वर को अगर होता, मैं कभी सोचता हूं कि उसे मेरा उद्धार करना था, सनी पापों में पड़ा हुआ था, परमेश्वर को सनी को बचाना है, उसको उसके पापों से निकालना है।
यीशु मसीह मेरे लिए सनी के लिए 2000 साल पहले संसार में आ चुका, उसने सब काम पूरा कर चुका। अब परमेश्वर को सिर्फ ये बात मुझ पर प्रकट करनी है। और एक दिन आया कि मुझे सुसमाचार मिला, मैंने प्रकट उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने बपतिस्मा ले लिया। लिखा है ना, बपतिस्मा में मृत्यु, यीशु की समानता में मृत्यु में कब्र में गाड़ा जाना। तो जब गाड़ा गया तो उसी में होता था ना, हम लोग स्वर्ग में परिवर्तित होकर चले जाते। परमेश्वर ने फिर क्यों कहा कि संसार में रहो, अभी बचा हुआ जीवन, ताकि हमें चेक कर सके यीशु का कार्य, जो उसने पिता की आज्ञा को पूरा किया हमारे पापों का छुटकारा देने के लिए। अब मेरा इंटेंशन सच में है क्या कि मैं भी परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूं, परमेश्वर वो देखना चाहता है। इसलिए उसने हमें ऐसे व्यक्तियों के बीच में रख दिया जो पापी हैं, जो हमें तंग करेंगे, जो हमें प्रॉब्लम्स देंगे। दुनिया तो छोड़ो, फिर हम उसने हमें कलीसिया के अंदर भी ऐसी चीजों को अलाउ किया कि कोई आपका पैसे लेके जाए, कोई आपको उल्टा सीधा बोले, कोई आपको प्रेजर और नहीं करे, तब आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर वो चेक करना चाहता है। शिमोन के घर में था ना, शिमोन ने उसे इनवाइट किया था, यीशु ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया ना, खाना खाने बैठा, दावत दी गई है। यीशु के इनविटेशन में दावत दी गई है, वहां पर लिखा है सारे फरीसी थे बैठे हुए थे। वहां पे एक वेश्या आई, व्यभिचारी स्त्री आई, यीशु को छू रही है, तो शिमोन के मन में बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रही है, ये रब्बी होता तो उसे पता चल जाता उसको जो छू रही कैसी औरत है ना। तो शिमोन मुझसे तुझसे कुछ कहना है, जी गुरु, उसका लफ्ज क्या था, लिखना पढ़ना, जी गुरु मन में सोच रहा है। और यीशु कह रहा है शिमोन, हे शिमोन, जी गुरु मुझे तुझसे कुछ कहना है, मैं तेरे घर में आया, तूने ना मुझे पैर धोने के लिए पानी दिया, न मेरे तन पर तेल मला, न मुझे चूमा, पर जब से मैं तेरे घर ये स्त्री आई है, इसने आंसुओं से मेरे पैर धोए, पोछने के लिए अपने बालों से पोछा, मेरे पैरों को चूम रही है, इसके ज़्यादा पाप थे क्षमा हुए। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। वहाँ पर दावत इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो खाना इम्पोर्टेंट नहीं था, परमेश्वर उसे कुछ सिखाना चाहता था। परमेश्वर शिमोन में दोष भी नहीं लगा रहे, उसे सिखाना है, हे शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है, तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, तूने मुझे रिस्पेक्ट दिए, तूने मेरे नाम में ये दावत इनवाइट की है, बस दावत से इम्पोर्टेंट है, तुझे इस चीज से सीखना है, तू शास्त्री है, तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ। लिखा हुआ है ना अंत में, शास्त्रियों में से कुछ ऐसा जुंड था जो यीशु का फॉलोअर था, अगर आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये मुद्दा उठा था जब यीशु को रात को पकड़वाया गया ना, कोई भी फैसला रात को नहीं होता था जब तक काउंसिल के सारे मेंबर वहां पे उपस्थित नहीं है, तो ऐसे लोगों को बाहर ही निकाल दिया उन्होंने, जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया ना कि अभी इस वक्त क्यों कर रहे हैं हम लोग यीशु का फैसला, सुबह तो होने दो, समाज के सामने करेंगे ना, ओपन में करेंगे। तो लिखा है उनको हटाया नहीं गया वहां से, ठीक है। गलातियों 3:28 अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। बोलो, हम सब मसीह यीशु में एक है, हम सब मसीह यीशु में एक है, हम सब मसीह यीशु में एक है, हम सब मसीह यीशु में एक है। परमेश्वर बोल रहा है, ये जो तू अभी बोल रहा है अपनी पत्नी के साथ जाके मेल मिलाप कर, जा अपने माँ बाप के साथ मेल मिलाप कर, माँ बाप को बोला है जा अपने बच्चों के साथ मेल मिलाप कर, एल्डर पास्टर लीडर सबको बोला है जाके मेल मिलाप कर, हम सब मसीह यीशु में एक है, हम सब जय हिंद जय हिंद जय भारत बोलने से हम लोग हिंदुस्तानी हो गए, ऐसा नहीं है। जब सच में उस देश के कानूनों का पालन करेंगे, हम बोलेंगे कि ये गाली देना फिर कचरा फेंकना वो सब चीजें से नहीं, जो स्लोगन बोल रहे हैं उस पर चलो, आसान है, जितना आसान है ना बोलना उतना ही आसान करके दिखा, अगर नहीं कर पा रहे ना यीशु आपको हिम्मत देगा, आगे है वो करेगा। आमेन। हम सब मसीह यीशु में एक है, हम सब मसीह यीशु में एक है। झुंड में बोलना आवाज कानों को अच्छा लग रहा है ना, करना करना आपको है।
ये चीज है ना कलिसा में नहीं हो रही थी। पौलुस इस सत्य को उनके ऊपर प्रकट कर रहा है, क्योंकि यहूदी अपने आप को सुपीरियर समझते थे, यूनानियों को कम समझते थे। लेडीज की पोजीशन जेंट्स से कम होती थी, इसलिए एक जगह पौलुस कहता है कि लेडीज ज्यादा कलिसा में सभा में चुप रहे, क्योंकि लेडीज का बोलना होता था, ऐसा होता था, बोलना चुप रहो, क्योंकि उस टाइम पे जेंट्स अथॉरिटी रूल करती थी। तो ऐसे भी नहीं कि उसको तुच्छ समझा जाए, इसलिए बोला मसीह में लेडीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना जेंट्स, जितना इंपॉर्टेंट यहूदी को दिया गया उतना ही यूनानी को दिया गया। अब तुम मसीह यीशु में एक हो, आमीन। समाज में रहोगे तो वहां पे कास्ट भी सिस्टम है, ये शेड्यूल कास्ट का, ये ओपन का है, वहां पे आ जाएगा कि सनी तो जनरल का है और बाकी जो व्यक्ति वो खड़ा है ना वो शेड्यूल कास्ट का है, अलग अलग लाइन लगानी पड़ेगी शायद। और जब मसीह जो स्वर्ग की लाइन होगी ना वो एक ही लाइन होगी, समझ रहे हो? यूनिटी सीख रहे हैं हम लोग किस बात के लिए। आज बहुत सारे प्रॉब्लम यूनिटी में न होने की वजह से, और तीसरे लोगों को हमारे बीच में और गंदगी मचाने का मौका मिलता है, खास करके शैतान को, और आपसे स्वर्ग छूट सकता है। और परमेश्वर का दास अपने वचन में आपसे आग्रह कर रहा है, हम सब मसीह यीशु में एक हैं। आराधक वचन सिखाने वाले को, वचन सिखाने वाला सुसमाचार प्रचारक को, सुसमाचार सिखाने वाला अपने लीडर्स अगुओं को उतनी रेस्पेक्ट दे, हम सब मसीह में एक हैं। परमेश्वर का दास अगुआ भी सेवक है, मैं भी सेवक हूं। जैसे उसका उद्धार किया मेरा भी उद्धार हुआ है, उसके पापों के लिए यीशु मरा, मेरे पापों के लिए भी यीशु मरा, और परमेश्वर ने कुछ सिस्टम रखे हैं। आमीन। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों 2:3। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये हिदायत है हम सबके लिए, दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अच्छा समझो। भले मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं ना, अगर मेरे सामने ऐसा व्यक्ति है, सेवादारी है, जो रिक्शा चलाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, हे सनी, उस रिक्शा वाले को जो कम पढ़ा लिखा वाले पहले से सेवा करें ना, अपने आप से उसको अच्छा समझ, समझ रहे हो? जब समझोगे ना, हमारी दिक्कत क्या होती है ना, हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे, जैसे शैतान के बन गया कि मैं अपना स्थान परमेश्वर के स्थान से ऊंचा बनाऊंगा। आज जो सनी प्रचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं इससे ज्यादा प्रचार अच्छा मेरे को आता है। ये बातें तो मैंने सीखी हुई है, ये मैंने उस दिन ऑनलाइन देखी थी। जिसके मन में ऐसा चल रहा है ना, वो समझे परमेश्वर ने चेक कर लिया। या कोई बहन समझे पहली बार करेगी, हमारे यहाँ पे होता है कुछ बहनों ने लास्ट का गीत जैसे गाती है, हिलती है, करण जैसे बजाते हैं, उसकी ट्यून से नहीं मैच होती है, पर वो दिल से गा रही है, दिल से तैयारी करके आ रही है, परमेश्वर के पास उसका महत्व है। पर अगर हम लोग ऐसे कमियां निकाले, अरे यार तो मार आया गीत, हर बाबा निकल तकड़ो घर वाले जामू दुआ गीत, सिस्टर जो सुर ठीक गाने, सिस्टर भैया करण अच्छा नहीं बजा रहा है, कल अपने से उसको अच्छा समझ। कब ऐसा समझ में आ जाएगा ना कि आप अपनी सेवा से कब गिर जाओगे और वो बहन आपकी सेवा पे आ जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ऐसा करना जानता है, समझ रहे हो? यहूदा जो पद खाली करके गया उसको मत्तियाह ने लिया, ये परमेश्वर ने पहले से तय करके रखा था। खैर चिट्ठियां डाली तो जाती है, निकलती उसकी वजह से, आमीन। तो ये हमेशा समझना, ये हिदायत है, अपने आप से एक दूसरे को अच्छा समझो। आगे के वचन है रोमियो 12:4 पढ़ेंगे और फर्स्ट कुरिन्थियों 12:12। ये जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अभी हम लोग एक साथ सरीके बन रहे हैं, पर भी हम लोग अलग अलग होकर एक साथ कैसे बने रहे वो सिखाना चाहता है परमेश्वर। पेज नंबर 221 रोमियो 12:4। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। हालेलुया। हमारा शरीर है ना, हाथ भी है, पांव भी है, हमारा हार्ट भी है, किडनीज भी है, लिवर भी है, आंखें भी है, नाक भी है, ठीक है, हम सब देह के अंग हैं। हमने बोला ना हम सब देह के अंग हैं। यहाँ पे क्लियर करता है
सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। बोलो, सब अंगों का काम एक ही सा नहीं है। सब अंगों का काम एक ही सा नहीं है। सब अंगों का काम एक ही सा नहीं है। क्यों बोलो? समझो, आप पास्टर दिनेश चावला जी को अपना रोल मॉडल मानते हो। आपको उनका हंसना, उनका सिखाना, आपके साथ बर्ताव, जो भी आपने उनसे उन्नति करके सीखा। अब मैं भी हूँ, वचन सिखा लो, पर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार सन्नी भी दिनेश चावला होना चाहिए। समझो, मैंने आपसे उस जैसे पास्टर जी आपको प्यार से मिलते हैं, साथ ही मिलते हैं, मैं नहीं मिल पाया, मैं अपने काम में बिजी था, मैं ऐसे ही चला गया आपसे बिना मिले। यार सन्नी हूँ गाने, सब अंगों का काम एक सा नहीं है, समझ रहे हो? सब एक सरी का प्रचार नहीं कर पाएंगे, सब एक सरी का गीत नहीं गा पाएंगे, सब एक तरीके की लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, सब सेवादारी परफेक्ट नहीं होंगे, सब अंगों का काम एक सा नहीं है। पर फिर भी क्यों रखा गया है रोमियो, ये फर्स्ट कुरिन्थियों 12:12-13 और 25:27 में यहाँ पे लिखो, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, बहुत से अंग हैं पर उनका काम एक सा नहीं है। उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी जिनका काम एक सा नहीं है, एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। समझ रहे हैं? बहुत से अंग लिखे हुए दिखाई देने वाले भी, जो अंदर है, अच्छे दिखने वाले भी, जो गंदे दिखने वाले भी है, सबको रखा है, जिनका काम एक सा नहीं है, पर वो मसीह की वजह से एक जगह पे रखे गए अंग होने के लिए, ताकि एक परफेक्ट काम हो सके। समझ रहे हो? आगे बढ़ेंगे 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का एक उद्देश्य ये भी है कि हम एक देह के अलग होने के बावजूद भी एक देह में आ जाए। समझ रहे हो? अलग अंग जिनका काम एक सा नहीं है, हम एक देह के हो जाए और हम सबको एक ही आत्मा मिलाएगा, पवित्र आत्मा इसमें सहायता करेगा। आगे 25:27, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम कैसे होता है ना, यीशु के चेलों के अंदर ये बार बार मुद्दा होता था, हम में से बड़ा कौन? ऐसे अंग जिनका काम एक सा नहीं है, ये इसीलिए रखे गए हैं कि इनमें फूट न पड़े और अंग एक दूसरे की चिंता कर सके। पर शैतान हमारे अंदर इस संसार का तौर तरीका, सोचने का तरीका अलग है कि यहाँ पे जो अच्छा होता है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, जो कम होता है उसको बोलता है निकल, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। पर परमेश्वर बोलता है इसलिए रखा गया ताकि फूट न पड़े। अगर साथ में होते, सब गाते होते, सब प्रचार कर रहे होते, सब सब समाचार सुना रहे होते, सब लीडर बने होते, तो फूट आती थी ना। मुझे बताओ कलीसिया बन पाती? फिर सब गाना गा रहे, सब बैठ के प्रार्थना कर रहे, सब बैठ के वचन ही सुन रहे, तो देह कहां होती? फूट पड़ जाती थी ना। फिर होता मैं अच्छा, मैं अच्छा, वो गंदा, मैं अच्छा, मैं पहला नंबर, वो दूसरा नंबर, तब फूट पड़ती थी जब एक सरी का होता। तो इसीलिए आज से ये एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो। इवन परिवारों के अंदर, समझो आपका बड़ा भाई है, उसकी जो पत्नी है बहुत समझदार है, और आपकी पत्नी होती मैच्योर नहीं है, तो कंपेरिजन करना मत, छोड़ दो। ये आपकी पत्नी भी मिलकर परिवार बना रही है। आपके बच्चे, समझो आपके भाई के बच्चे बहुत होशियार है, नंबर वन आते हैं, और आपको कोसना पड़ता है मेरा बच्चा होशियार नहीं है, उसको मारते हो, कोसते हो, इसके लिए परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, जलन उत्पन्न होती है, यार उन्हें जो बाल होशियार मुझे बाल तो पड़े मारिस, अरे उसकी मेरा भाई अपने बच्चे को साइकिल लेके दे रहा तो मैं भी साइकिल लेके दूं, ये जो फूट पड़ रही है ना। आपका काम ऐसा नहीं, पर फिर भी परमेश्वर ने अलग किया कि एक परिवार बने। सब भाई उतना नहीं कमा पाएंगे, सब भाई उतना नहीं पढ़ पाएंगे, सब बच्चे उतनी समझ नहीं रख पाएंगे, फिर भी परिवार बनाया गया है। देश के अंदर भी सब मंत्री एक सरीके नहीं होते, सब मोदी नहीं है, करप्शन वाले भी हैं,
फिर भी एक देश चल रहा है। आमीन। स्कूल के अंदर 6:30 बजे क्लास में नंबर वन नहीं आ सकते, फिर भी वो क्लास में रखे गए हैं, सबको एग्जाम देना है, सबको वही टीचर सिखा रही है। मंदबुद्धि वाले को भी, जिसको कम अक्कल है उसको भी, होशियार को भी वही पढ़ाया जा रहा है। मैं क्या बोला, हमें स्वर्ग चलना है, ये उद्देश्य है, ताकि देह में फूट न पड़े, हम एक दूसरे की चिंता कर सके। परमेश्वर देखेगा, अगर सनी अच्छा प्रचार कर सकता है तो उसके सामने जो कमजोर विश्वास वाला आ रहा है, क्या सनी उस पर उसको संभाल रहा है कि सनी उस पर हंस रहा है? ये मेरे मन को परखना चाहते हैं परमेश्वर, कि मैं उसकी चिंता करूं। आपके पैर में चोट लगती तो आपका हाथ उसे संभालता नहीं संभालता है? आपके सामने कोई पत्थर फेंके तो आपका हाथ उसको रोकता है नहीं रोकता है? कि लगने देता, लगे लगे आंख, मेरे को क्या पड़ा है, लगे लगे बोलेगा। और अगर एक अंग में दर्द होगा तो आपको खाना भी पसंद नहीं होता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पूरा शरीर एक साथ, ऐसे नहीं कि बाकी का शरीर काम कर रहा है, आंख का इलाज हो रहा है, आंख निकाल ही डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, बाकी शरीर अपना काम कर रहा है, ऐसा होगा नहीं। ताकि फूट न पड़े और सब एक दूसरे की चिंता करें। बोलो, फूट न पड़े, सब एक दूसरे की चिंता करें। फूट न पड़े, सब एक दूसरे की चिंता करें। अगर परिवार के छोटे लड़के कुछ भी हो, अगर आपके पापा आपको डांटते हैं, मम्मी डांटती है, कुछ भी है ना, आपके बड़े भाई हैं, उससे सीखो। हाँ, मैं प्रभु मैं नहीं कर पाता, मैं इतना नहीं कमा पाता, पर जिस काम को मुझे जिम्मेदारी दी गई मेरे परिवार में, वो मैं अच्छे से करूँगा। आमीन। परमेश्वर खुद ही स्तर बढ़ा सकता है। एक अंग अगर वीक हो जाता है ना, पैरालिसिस आ जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा दिन कमजोर लगता है ना, पर टॉनिक रखा हुआ है ना, एमए दवाइयाँ रखी हुई है ना, फिजियोथेरेपी रखी हुई है ना, आप एक्सरसाइज करो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आप खुद ही वो स्ट्रांग बन जाओगे, आपकी एमए ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एमए परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं। एमए अब एफिसियों 4:11-13 और कुलिसियों 3:13-14 ये दो वचन पढ़ेंगे। और फाइनली एक जो वचन है, जो यूनिटी में रहने का उद्देश्य हम लोग देखेंगे, 4:11-13, 11 से 13। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति। परमेश्वर बोला है कलीसिया में ये लोग रखे गए हैं ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जो विश्वासी जो भी आते हैं सबको पवित्रता की लिस्ट में जोड़ा गया है। ऐसे नहीं कि जो पुराना है बपतिस्मा लिया वो ही पवित्र है, जो प्रभु पे विश्वास करता है, जिसके पाप क्षमा किए गए, वो पवित्रता में आ गया। और सेवा का काम अच्छे से किया जाए और मसीह की देह जो कलीसिया है वो उन्नति पाए। आमीन। आगे 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। मैंने बोला ना, कारण क्या है, ताकि ये जब तक अचीव नहीं होता ना, तब तक ये काम चलता रहेगा। अलग अलग जनों को एक जगह पर रखा जाएगा, एक देह बनाई जाएगी ऐसे लोगों के जिनका काम एक सा नहीं है, ताकि हम सब के सब विश्वास में बढ़ते जाए, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ते जाए, सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह का पूरा डील डोर हमारे अंदर आ जाए। आमीन। आगे पढ़ेंगे कुलिसियों 3:13-14, पेज नंबर 279। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सबके ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध दो। आमीन। मैंने क्या बोला, अभी हमें एकता एकता बोल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, ऐसे अंग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका काम ऐसा है नहीं, तो बताओ वैसे अगर मैं परफेक्ट हूँ, समझो मैं पुराना हूँ, मैं ज़्यादा सीखा हुआ हूँ और जो मेरे सामने कम सीखा हुआ होगा, तो उसके जवाब देने में, उसके तौर तरीकों में थोड़ी तो फॉल्ट निकलेगी ना। तो कई बार ऐसे होगा कि आपको सामने वाले की मिस्टेक्स ही दिखेंगे। मैंने क्या बोला, आपके सामने ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो काम अपना परफेक्ट करते हैं और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को भी रखता है जिनका काम परफेक्ट नहीं है। तो
दुनिया की तौर पे और समझ की तौर पे कैसे होता है कि जिनका काम परफेक्ट है तो वो जिनका काम परफेक्ट नहीं उनकी कमियां निकालते, जैसे ऑफिस में होता है मैनेजर किसी को स्पॉट अवार्ड किसी को कम अप्रेजल दिया जाता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा ऐसा नहीं होना, पर तुम पर अगर दोष लगाने का अवसर अगर है भी तो एक दूसरे की तुम सहलो, क्योंकि कंपनी में काम करके अपने अपने घर पे चला जाता है। पर यहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं तुमको मैंने एक देह होने के लिए रखा गया है, बपतिस्मा के द्वारा तुम एक देह होने के लिए रखे गए हो। अब एक देह मैंने कैसे बोला कि हाथ अपना नहीं बोलता तो मेरे को आराम करना है, पैर बोलना है नहीं मेरे को एक जगह पे पहुंचना है तो तू बैठा रहे और मैं निकलता हूं। सबको एक साथ ही जाना होगा। मैं क्या बोला हमको स्वर्ग जाना है और कलीसिया जाएगी स्वर्ग, क्या आपको बताया उसकी दुल्हन जाएगी। अगर आप उस कलीसिया का हिस्सा हो तो ही जा पाओगे। और जिस दिन आपने अपने अंगों को मैंने अपना सुपेरिटी समझ के अपने आप को उस देह से अलग कर लिया, जैसे मैंने बोला कि अगर गलती भी होती है तो कभी ऐसे ताव में बताना मैं अपने आत्मिक जीवन की रखवाली खुद ही कर सकता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग खुद ही देख सकता हूँ, खुद ही संभाल जाऊंगा, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, ये सब डायलॉग मत मारना। जिस दिन अलग हो गए मीन्स आप कलीसिया का इंडिविजुअली, हम कलीसिया है पास्टर ने ये भी टीचिंग दी है, पर उस दृष्टिकोण से अगर आपके अंदर फूट है, अगर आपके अंदर दोष की भावना है तो आप कलीसिया का हिस्सा हो ही नहीं, तो आप यहीं पे रह जाओगे। परमेश्वर ये सिखाना चाहता है, बोल रहा है अवसर मिलेगा पर लगाना मत, सह लेना। फिर वो बोल रहा है एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपराध समझ रहे हो बहुत बड़ी बात, कैसे नहीं कि तुझे मिस्टेक गलती नहीं लिखा हुआ है, अपराध तुम्हारे लिए तो अपराध किया है, उसमें गुनाह किया है, माफ करना। कैसे माफ करना? जैसे यीशु ने तेरे अपराध माफ किए वैसे करना। क्या हमारी इतनी हैसियत है कि हम यीशु की जगह हमारे अगर हमको क्रूस पर चढ़ाए हमारे मुंह से निकलेगा प्रभु उनको क्षमा कर, हम चिल्लाएंगे कोसेंगे स्वर्ग से आग मंगवाएंगे भाई जला उनको मेरे को बचा प्रभु, निकलेगा प्रभु बोले वैसे ही माफ करना जैसे यीशु ने उनके तुम्हारे अपराध समा किए वैसे ही तुम भी। एक्सपेक्टेशन है, मैंने क्या बोला पवित्र आत्मा सहायता करेगा। Amen? अब आते हैं मत्ती 18 का 19-20, यहूना 13 का 35 और भजन संहिता 133 का 1, ये आखिरी तीन वचन है। मत्ती 18 का 19-20, यूनिटी में रहने से क्या अच्छी होगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ये यीशु मसीह के शब्द हैं कलीसिया को अपने चेलों को खास करके, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। दो व्यक्ति मांग रहे हो और प्रेरितों में ये इस बात के हम गवाह हैं, जब कलीसिया ने मिलके दुआ की पत्रस के बंधन टूटे थे, चार पहरा रखा हुआ था, चार लोहे के दरवाजे थे, सांकलों में बंधा हुआ था, चारों जगह पे चाचा पैदा खड़े किए गए थे। जब कलीसिया ने दुआ की परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उसको भेड़ियों से भी निकाला, उसे आजाद करवाया। क्या होने वाला था पता है? दूसरे दिन पत्रस को काटने वाले थे, याकूब को मार दिया था, उसको राजा को लगा खुश हो रहे ये लोग, पत्रस सबसे मेन लीडर था उसको पकड़ा गया ताकि उसको नेक्स्ट डे को मारा जाए, समझ रहे हो? पर वहां से उसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इंडिविजुअली हम लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए मांगेंगे, जब कलीसिया एक मन की होगी ना दो व्यक्ति, वो दूसरे के छुटकारे के लिए मांगेगा और परमेश्वर वहां पे करेगा। जब तुम पृथ्वी पर एक मन के होगे मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे वो स्वर्ग से मेरे पिता की ओर से हो जाएगा, इतनी कंफर्मेशन दे रहा है। यूनिटी में इतना पावर है, क्या बोल रहा हूं? यूनिटी में इतना पावर है। उस 10 लकड़ियों को याद रखना, साथ में रहेंगे तो नहीं टूटेंगे। कलीसिया में भी एक मन के लोग, आपको लगेगा वो एल्डर सही नहीं कर रहा है, वो लीडर सही नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने रखा हुआ है उसको। अगर वो सही नहीं कर रहा है परमेश्वर उसको बदल देगा, तब तक सब्र रखो। क्या बोल रहा हूं? बदल देगा तब तक सब्र रखो। एमें कोसो मत नहीं,
अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए रखो। आगे 20, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। और अगर हमारे बीच में फूट रही या हमारे परिवार में फूट रही, परमेश्वर वहां पे नहीं होगा। यहां दो या तीन मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, ये फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा है कि सनी आ गया, ये बहन आ गई, विश्वासी हालेलुया बोल रहे, श्री यीशु आ रहा, नहीं। इकट्ठा होना बोले तो एक मन होकर इकट्ठा होना बोल रहा है। संगति के नाम पे सिर्फ नाश्ता खाना नहीं कि अब यीशु मसीह हमारे बीच में, ऐसे मजाक में नहीं उड़ाना। जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होता है, जहां पे मेरी बातें होती है, जब मेरा अनुकरण होता है, जब मेरे वचन को मान्यता मिलती है, इस रीति से अगर वो इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में आ रहा हूं। और मुझे बताओ, यीशु मसीह जब आपके साथ होगा आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत है? उस जगह पे कोई आपका विरोध कर पाएगा? कोई पतरस खड़ा हुआ ना, यूहन्ना भी खड़ा हुआ, उसको भी दूसरी जगह पतरस यूहन्ना दोनों को जेल में डाला गया था कि हम तुमको कह रहे हैं यीशु के नाम से नहीं बोलना, लिखा है ना, वो भी आजाद हो गए, फिर से मंदिर में प्रचार कर रहे हैं, उनको टेंशन आ गए, गए किधर रातों रात, ये वाक्य हुआ था ना, कॉन्फिडेंस आ गया ना, दो जने एक मन के हुए थे, विरोध कर पाए, फरीसी शास्त्री पूरा पावर लगा दिया और लोग भी उनके साथ खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए, क्योंकि वो सही था। जब एक मन से रहेंगे ना तो परमेश्वर हमारे बीच में सारी अच्छी चीजों को लाएगा, ठीक है। और लाइफ में बात सीखना मैंने बहुत अच्छे व्यक्तियों से सीखा है और अच्छे अगुओं से सीखा है, पास्टर जी को भी इसका अनुकरण करते हुए देखा है। एक अच्छी टीम होती है ना, अब मैं उदाहरण देता हूं, उसको हम बंद करेंगे, दो वचन पढ़ लेते हैं फिर बंद करते हैं। यूहन्ना 13:35 जहां पे यीशु ने कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या बोला? एक दूसरे की चिंता करोगे, मेल में बने रहोगे, इसी से ही पता चलेगा तुम मेरे चेले हो। यूनिटी में नहीं हो, ये बहन इधर निंदा करेगी उस बहन की, परमेश्वर बोलेगा तू मेरा चेला है ही नहीं, लोगों को भी पता चल जाएगा ये चेला है ही नहीं। यीशु खुद ही बोल रहा है आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आमीन। भजन संहिता 133 का एक पेज नंबर 755, देखो यह क्या ही बला और यह क्या ही बलि और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। बोलो आह आह, क्या ही बला है, मनोहर है, कश्मीर बोल गए, वाह कितना मजा आएगा करके, ये परमेश्वर के सामने स्वर्गदूतों के सामने क्या ही बलि और मनोहर बात है कि भाइयों के मन मिले हुए हैं, समझ गए? इस प्रकार का वो आनंद है, क्या ही भला, आह याद रखना आह। सोचो एक परिवार मिला रहेगा कितना मजा आएगा, सब साथ में खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मजा लग पड़ा है, आनंद पड़ा है, आह क्या परिवार है, शांति है, खुशी है, आनंद। एक कलिसिया के अंदर सब सिस्टम मस्त से चल रहा है, कई बार प्रभु के दास अपने देखते सब अपना अपना काम करे, कितने लोगों ने जो वॉलंटियर खड़े हैं इस बात में सहमत होंगे, आप तो चले जाते हैं काफी लोग, पर जब वॉलंटियर होते हैं परमेश्वर के दास आपकी तारीफ करते हैं कि आपकी कलिसिया बहुत अच्छी है, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कई बार ये तारीफ मिली है उनको कि सबको पता है कौन सा काम क्या करना है। पास्टर जी का भी लेट, आज मैं लेट पहुंचा था, मुझे 11 बजे आना था, मैं 12 बजे पहुंचा, सब सिस्टम से चल रहा था, बहनों ने अच्छे से आराधना ली, भाई ने अच्छे से होस्टिंग की, गवाहियां अच्छे से हो गई, आह कितना मस्त लग रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। यही आचरण हमें हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नौकरी, इवन नौकरी में भी अगर आप मैनेजर हो, लीडर हो, आप अपने को अपने आप से दूसरों को अच्छा समझो, मेल मिलाप में रहो, किसी को पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स मत खेलो, परमेश्वर जब देखेगा ना वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली उन्नति मिलती जाएगी। आमीन। ये परमेश्वर के सामने भली बात है कि भाइयों को मन मिले हुए हैं। आमीन। परमेश्वर ये चाहता है, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजों ने डिवाइड करके हम पर रूल किया, शैतान की भी यही इच्छा है कि हमको डिवाइड करे, हमारे परिवारों को तोड़े, कलीसिया को तोड़े, और हमारे बीच के अंदर वो गड़बड़ियां गए, हमें वो चीज अलाउ नहीं करनी, हमें यूनिटी में बने रहना है। हालेलुया। मसीह के अंदर, इस दुनिया के अंदर
फूड डालने वाले भी लोग हैं, मेल मिलाप कराने वाले भी लोग हैं। ये चॉइस आपके हाथ में, आप मेल मिलाप वाले ग्रुप में आना चाहते हैं तो फूड डालने वाले में आना चाहते हो। आमीन। मेल मिलाप करके रूल करना अच्छी बात है कि फूड करके रूल करना? मेल मिलाप करके ना, क्योंकि फूड करके जो रूल करेंगे ना वो उनका जो रूलिंग है ना कुछ समय तक है। क्योंकि जिस दिन 200 साल की गुलामी में जिस दिन हमारे देश के लोगों को ये समझ में आ गया, उनकी उनकी जो ये प्लान समझ में आ गया कि हमको ये डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं, तब देशभक्त पैदा हुए। उन्होंने ये कोशिश की हम अभी हिंदू नहीं है, हम अभी मराठी नहीं है, हम अभी गुजराती नहीं है, सब मिलकर हम ये लोगों को भगाएंगे। जब ये चीज कोशिश होने लगी तब देश आजाद हुआ। आज भी अगर आपका परिवार टूटा हुआ है, अगर कलिसा के अंदर ऐसे सिस्टम में गड़बड़े हैं, आपके व्यक्तिगत जॉब के प्लेस पे या बिजनेस में ये गड़बड़ी है, आज आपको पता चल गया है आपके डिवाइड के कारण, आपके ये जो डिवीजन के कारण पता चल गए, आज से उनको करेक्ट करना शुरू कर दो, जल्दी आजादी आ जाएगी, जल्दी रिश्ते टूटे जो टूटे हुए वो जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके परमेश्वर की इच्छा है कि आपके साथ स्वर्ग में आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके बच्चे हो, ये उसकी इच्छा है, तो हम क्यों रोके उसको? हालेलुया। हमारा जो लड़ाई मासों डो से नहीं है, शैतान की योजनाओं को समझो जो गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए आपको झुंड से अलग कर दिया उसने, और अब तक मचा रहा, वापस झुंड में आ जाओ। सब बचने का एक ही कारण है, झुंड के पास आ जाओ। क्योंकि जो झुंड से अलग हो जाता है ना, जिसको जकड़ लेते हैं, फिर उस जानवर की यही कोशिश होती है कि मैं वापस से झुंड में जाऊं, क्योंकि वो अपनी ताकत से लड़ ही नहीं पाएगा। वो देखेगा मेरे सामने 6 है, मैं नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तो उसकी कोशिश होती है बाप बाप के किधर से तो मैं वापस झुंड में जाऊं। पर अगर वो ऐसे ही रुका रहा, नहीं मैं अपनी ताकत से लड़ूंगा, मैं इसको मारूंगा, एक को मारेगा 5 उसको खा जाएंगे। हालेलुया। इस बात को समझो। एक और सीखना, इंडियन टीम, आमीन, अच्छी टीम, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो एक कंपनी है, एक टीम हमेशा जीतती नहीं है, ये बात याद रखना। आप समझ लो सत्य मार्ग जीवन परफेक्ट कलीसिया है, ये मन से विचार निकाल लो, ठीक है। इंडियन टीम या ऑस्ट्रेलियन टीम जिसके अंदर बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मीन एकदम लेजेंड्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है, वो टीम हारती भी है। अच्छी टीम की ये निशानी होती है ना, जिस दिन वो टीम हारती है ना, समझो एक दो मैच कंटिन्यूस आती ना, न्यूज में उनके क्रिटिक्स आ जाते हैं कि सचिन ने अच्छा नहीं खेला, इसको निकाल देना चाहिए था, कप्तान का ये डिसीजन सही नहीं था, कोच का ये डिसीजन सही नहीं था, ये होता है ना, क्रिटिक्स आ जाते हैं ना। और मुझे बताओ, समझो सचिन डक पे भी आउट हो गया, पहले बॉल पे बोल्ड हो गया, तो टीम वाले क्या उसको चढ़ जाते हैं क्या, ए तेरे को बैटिंग करना चाहिए था, आता नहीं है क्या तेरे को, पहले बॉल पे आउट हो गया, होता है क्या? या जिसके समझो एक अच्छा बॉलर है, उसको हर बॉल हर ओवर में छक्के मार रहे हैं, उसने 60 बॉल में 90 रन दे दिए जिसकी वजह से टीम हार गई, अच्छा बॉलर है जिसने 400 विकेट लिए हुए, पिट गया उसे, तो टीम उसको गला घोटती है कि तेरी बॉलिंग की वजह से हार गए, ऐसा होता है क्या? बाहर बोलते हैं, न्यूज पे बोलते हैं, पर टीम के अंदर क्या होता है? टीम के अंदर बोलते हैं कम ऑन बॉयज, नेवर गिव अप, विल गेट बैक इन द नेक्स्ट मैच, होता है ना, नेक्स्ट मैच में देखेंगे। हालेलुया। अच्छी टीम यही है, हमें अच्छी टीम बनना है, बोलो हमें अच्छी टीम बनना है। हम हर बार जीतेंगे जरूरी नहीं है, अच्छी टीम भी हारती है और वो सीखती है कि कहाँ पे क्या चीज करेक्ट करनी चाहिए, कहाँ पे हमसे फील्डिंग में गलती हुई, कहाँ से हम पे बैटिंग में गलती हुई, कहाँ पे हमसे बॉलिंग में गलती हुई, और कोच सिखाते हैं। मैंने क्या बोला, पास्टर टीम का कप्तान है और जो कोच है वो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। एक बात याद रखना, यीशु मसीह के 3 साल की मिनिस्ट्री में 12 चेले कभी एक मन नहीं हो पाए थे। क्या बोल रहा हूं मैं, यीशु पे हाथ डाला ना, सबके सब भाग गए, सबके सब भाग गए, और यीशु मसीह के सामने उनके अंदर ये बात चलती थी, हम में बड़ा कौन। दूसरी चीज, जब वो यीशु मसीह का मृत्यु में से जी उठना हुआ ना, एक जगह लिखा थोमा उनके साथ नहीं था, अलग जगह पे था, और बोल रहा था मैं विश्वास नहीं करूंगा, एक मन के थे ही नहीं।
और पतरस ने कह दिया चलो मछली पकड़ने वापस चलते हैं। पर पिंतकुस के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा वे एक मन के बने। प्रेरितों के अंदर आगे जब पढ़ोगे ना कलीसिया के सब विश्वासी एक मन के थे, उनके अंदर सब साझे का था और कलीसिया उन्नति करती जा रही थी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा मेल मिलाप कराने में, यूनिटी में रहने में। आपको सोचना है मुझे क्या हिस्सा पाठ करना है। प्रभु तूने मुझे कहा है ना, आज वो बहन नहीं आई है, आज मेरा पति यहाँ पे नहीं बैठा है, मेरा बेटा बेटी नहीं बैठा है, पर प्रभु आज तूने मुझे बैठा के ये चीज सिखाई है, मैं कोशिश चालू करूंगा। हालेलुया। ऑटोमेटिकली आपके हाथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे, आपका परिवार परफेक्ट परिवार बन के यहाँ पे गवाही के लिए खड़ा होगा। आमेन। हमारी कलीसिया के अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और उस देश के अंदर भी अच्छे दिन आएंगे। आमेन। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। क्षमा चाहता हूँ आपका समय थोड़ा ज्यादा लिया, पर परमेश्वर वचनों से आशीष दे आपको। आइए हम खड़े हो जाए। कविता बहन को जल्दी आगे से बुलाऊंगा। आखिरी का गीत गाएं छोटा सा, इस दौरान हम परमेश्वर के राज में बोएंगे और जल्दी कलीसिया खाली करेंगे क्योंकि एक और